कबूल है कबूल है, और सात फेरों से तो अब बात नहीं बनने वाली, क्योंकि यूपी में मैरिज रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी हो गया है। इसके बिना आप कोई भी गवर्नमेंट सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे। जी हाँ, योगी जी बड़े बड़े फैसले ला रहे हैं। वैसे टू बी फेयर, ये फैसला अखिलेश भैया भी लाना चाहते थे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद वो भी ऐसा ही कोई कानून लाना चाहते थे, पर क्या करें, सक्सेसफुल नहीं हो पाए। क्रेडिट योगी जी को जो लेना था। मैं तो सिर्फ नए नियमों का वेट कर रही हूँ, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, कौन सी सरकारी सुविधाएं या उनका बेनिफिट, और ये जो रश होगा रजिस्ट्रेशन का, क्या गवर्नमेंट ऑफिसर्स की इतनी क्षमता है कि उसको झेल पाए? मेरे मन में तो बहुत सवाल है। ये शुद्ध विचारों की प्राप्ति के लिए आखिर क्या करना चाहिए? बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, बस खाना खाओ, सो जाओ, ऐश करो। और प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए कोई सुझाव? एक एक्स्ट्रा चीज करनी पड़ेगी। क्या? दीवार पे मस्त क्यूट सा बेबी पिक्चर लगा। भले ही इस सुझाव में कोई सच्चाई हो कि ना हो, सरकार ने एक लंबी सुझावों की लिस्ट निकाली है प्रेग्नेंट औरतों के लिए और जच्चे बच्चे के विचारों को शुद्ध रखने के लिए। सो प्रोस्पेक्टिव मदर्स, प्लीज इस लिस्ट पे एक नज़र डालें। बाय द वे, मीट पे भी खाने पे थोड़ी रोक टोक लगाई गई है। हाँ। अप्रेजल आए। हाँ। सैलरी बढ़ी। हाँ। टैक्स भी बढ़ेगा। तुम बड़े मच्योर बन रहे हो, तुम्हें तो जैसे बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है। ऑब्वियसली करने वालों, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने वालों। म्यूचुअल फंड्स, वो ऐड नहीं देखी? म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्ली। एग्जैक्टली, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। हाँ, तो बिना जानकारी के नहीं ना इन्वेस्ट करूंगा। आप भी आइए क्विंट हिंदी पर और पढ़िए सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड ऑप्शन कौन से। प्रत्यर्पण संबंधी सुनवाई में वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने विजय माल्या को 4 दिसंबर तक की जमानत दी है और इसकी अगली सुनवाई अब 6 जुलाई 2018 को होगी। पेशी के बाद कोर्ट से बाहर आते ही विजय माल्या ने कहा, मैंने कोई भी गैर कानूनी काम नहीं किया है। नोकिया ने एंड्रॉइड मार्केट में एंट्री मार ली है। 3310 के बाद नोकिया अब नोकिया 3, नोकिया 5 और नोकिया 6 लेकर आया है। भारतीय बाजार में नोकिया ने 10 साल बाद वापसी की है। 16 जून से नोकिया 3 तो आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा, पर नोकिया 5 और नोकिया 6 के लिए आपको थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। वैसे तो बॉलीवुड स्टार्स के लिए फोर्ब्स लिस्ट में आना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इस साल उनका नंबर थोड़ा नीचे सरक गया है। शाहरुख खान जो पिछले साल टॉप 10 में थे, इस साल टॉप 100 में हैं, लेकिन अभी भी वो सलमान खान और अक्षय कुमार से आगे हैं।